हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। आज के इस क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो है लेजर्स। अभी तक हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, किस किस बुक में कौन कौन से जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं, या उनको किस तरह से किस अकाउंट को किस तरह के ट्रांजैक्शन को हम डेबिट करते हैं और किसे क्रेडिट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। इसके बाद में इन सारे जर्नल एंट्रीज को हम पहले भी पढ़े हैं कि इन सारे जर्नल एंट्रीज को हमें वापस लेजर में पोस्टिंग करनी होती है, तब जाकर के हमारा अकाउंटेंसी का जो पर्पस है वो कुछ आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेजर क्या है। द प्लेस वेयर एंट्रीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम और थिंग इज रिकॉर्डेड इज नोन एज लेजर। ऑन द अदर हैंड लेजर इज अ बुक कंटेनिंग मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ सेम नेचर। द वर्ड लेजर इज डिफाइंड बाई मेनी स्कॉलर्स एज फॉलोज। लेजर क्या है कि एक ही पर्टिकुलर वस्तु से रिलेटेड या किसी एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब की पोस्टिंग जिस जगह में की जाती है, किसी एक जगह में की जाती है, उसे ही हम लेजर कहते हैं। या फिर हम और भी अलग तरीके से अगर इसको देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी किताब जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं एक पर्टिकुलर तरह के एक ही नेचर वाले, उन्हें हम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उन बुक्स को ही हम लेजर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रोलैंड लेजर इज चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स। रोलैंड का कहना है कि ये चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बुक यही है करके। देन अकॉर्डिंग टू बैटल बॉय द लेजर इज चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज इन दिस बुक दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस वुड अल्टीमेटली फाइंड प्लेस अंडर देयर अकाउंट्स इन अ ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म। बैटल बॉय का कहना है कि ये एक चीफ बुक ऑफ अकाउंट तो है ही, यहाँ ये ऐसी किताब है जिसके अंदर में बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको कहीं ना कहीं अलग अलग बुक में ही सही उनको एक जगह मिलती है, जिससे कि अलग अलग हिस्सों में जैसे उन्हें बांटा गया है उसके बारे में और किसी न बांट करके उसे अलग अलग किताबों में जगह बनाते हैं, एंड इससे बिजनेस के बारे में हमें सब कुछ पता चलता है। Then, according to William Pickles, the ledger is defined as a book in which all the personal, real, and nominal accounts of a business concern are kept for permanent record, so that up-to-date state of any account can be easily known. William Pickles का कहना है कि यहाँ ये ऐसा book है जहाँ personal, real, और nominal accounts जितने भी business से related है सबको अलग अलग जगहों में परमानेंटली रिकॉर्ड करके रखते हैं और डेट वाइज बना के रखते हैं, ताकि जब भी जरूरत हो तो उस अकाउंट से उस डेट का जो भी डेटा चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाए। देन नेसेसिटी एंड यूटिलिटी ऑफ लेजर। इन जर्नल ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम एट वन प्लेस। इट बिकम्स इजियर टू फाइंड transactions if transactions are recorded in ledger classifying them into separate accounts. Journal में क्या करते हैं, हम date wise उस दिन जितने भी transactions होते हैं सबको record कर देते हैं, तो उसमें से एक particular item के बारे में अगर जानना हो, एक particular वस्तु के बारे में जानना हो या तो वो बहुत difficult हो जाता है, क्योंकि एक दिन में बड़े बड़े businesses में बहुत सारे transactions हो जाते हैं, तो उतने सारे ट्रांजैक्शंस के अंदर से इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। वही अगर इसको ट्रांसफर करके अलग अलग लेजर्स में क्लासिफाई करके अलग अलग सेपरेट बुक्स में रखा रहेगा तो ये बहुत आसान होता है कि दूसरे दूसरे बुक से हम इसको, जिस बुक से रिलेटेड है वो ट्रांजैक्शन, उस बुक से हम इसको बहुत आसानी से निकाल के देख सकते हैं। देन और कुछ भी, कुछ बहुत सारे और भी रीजन है फॉलोइंग आर द रीजन फॉर नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। इन सारे पॉइंट्स की वजह से भी लेजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड। ये मेन बुक होता है बिजनेस का, जर्नल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेजर बुक। इसके बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसी में सारी चीजें रिकॉर्डेड रहती है कि बिजनेस कैसे चल रहा है, किस दिन बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें इसी में मेंशन रहती है। सो दिस इज द मेन बुक ऑफ द बिजनेस। सेव्स टाइम एंड लेबर एज फाइंडिंग इंफॉर्मेशन बिकम्स इजियर। सारे ट्रांजेक्शन जो है वो अलग अलग बुक्स में लिखे हुए हैं, तो अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो इसमें से लेजर में से निकालना आसान होता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या है, टाइम भी बचता है और मेहनत भी बच जाती है।
Then again, we are having another necessity. Complete information of all types of accounts, personal, real and nominal is provided by ledger. Ledger से ही हमें हर तरह के अकाउंट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो, जो भी अकाउंट है उसके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है हमें लेजर से ही मिलता है. देन अनदर इज पोस्टिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज ऑल्सो नोन थ्रू द लेजर. पोजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज ऑल्सो नोन थ्रू द लेजर. लेजर से ही बिजनेस में कैपिटल कितना है, क्या क्या एसेट्स है एंड उसकी कितनी लाइबिलिटीज है, ये सारी चीजें हमें लेजर अकाउंट से ही पता चलती है. Then can be presented as an evidence in the court of law in case of dispute. और अभी कभी अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत होती है, जैसे कि कोर्ट में इश्यू हो गया है या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कोर्ट में इश्यू है, तो लेजर अकाउंट्स को एविडेंस के तौर पे वहां पर कोर्ट में दिया जा सकता है. जबकि जर्नल एंट्री से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है लेजर अकाउंट्स, इनको हम कोर्ट में बकायदा प्रूफ के तौर पर देते हैं. Then information received from ledger helps in future planning. इसके अंत में ledger से जितना information मिल जाता है, उन सारे information के आधार पर भविष्य की planning की जा सकती है कि भविष्य में business को कैसे आगे बढ़ाना है and या उसमें जो भी decisions लेने होते हैं या क्या क्या बदलाव लाने हैं, ये सारे decisions जो है financial ledgers के आधार पर किया जा सकता है. Then preparation of trial balance and final accounts becomes easier with the help of ledger. Ledger बनाने के बाद में हमें trial balance बनाना होता है and final accounts बनाना होता है. तो इन दोनों के लिए भी ledger accounts के आधार पर ये दोनों account बनाना बहुत आसान हो जाता है. अब हम देखते हैं accounts and the ledger दोनों में अंतर क्या, मतलब क्या है accounts ledger में हम क्या क्या करेंगे. The term account indicates the manner in which the information is set out and the term ledger is the name given to book in which accounts are kept. The simple format of account used to be the shape of letter T, that is it has two sides, one name side and the other deposit side. As account and ledger are inseparable, the name given to book is ledger account. Accounts or books mein ledger mein kya antar hai ya kya similarity hai. अकाउंट जो है वो इंडी बताया जाता है उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से लेजर में डालना है, एक मैनर कैसे उसको जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कैसे सेट करेंगे, ये चीज अकाउंट बताता है. और लेजर वो चीज है, उस किताब का नाम है जिसमें ये अकाउंट लिखा गया है. एक किताब में हम अकाउंट क्या है कि किस तरह से लिखना है वो बताता है एंड किस जिस बुक में लिखा होता है उस बुक को हम लेजर कहते हैं. एंड इसका जो फॉर्मेट होता है, अकाउंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल टी शेप में होता है जिसके दो साइड्स होते हैं, एक साइड में डिपॉजिट साइड होता है और एक साइड इसका लायबिलिटी साइड रहता है या एक्सपेंसेस साइड. एंड लेजर को, लेजर और अकाउंट को हम अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट में ही लेजर एंट्रीज होती है. सो जब ये दोनों चीजों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए इन किताबों को हम बुक्स ऑफ, इस किताब को इसीलिए हम लेजर अकाउंट कहते हैं क्योंकि इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते. Now the next is features of ledger. इसके features क्या है? The features of ledger are shown as brief. It is an important book of business because it helps in preparation of financial statements. चूंकि इस किताब के आधार पर ही financial statements बनाए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ही मुख्य किताब होती है या बहुत important किताब होती है किसी भी business के लिए. A ledger helps to ascertain the closing balance of a particular account. Ledger से ही पता चलता है किसी भी account का closing balance को कैसे करते हैं. उसका closing balance निकालने के लिए ledger में ही हम ये काम करते हैं. तो ये हमें closing balance पता कराने में बहुत मददगार होती है. It presents the summarized form of the transactions related to an item. किसी भी ट्रांजेक्शन्स का जो ब्रीफ में हमें चाहिए, हमें पूरे डिटेल में, डिटेल से ज्यादा उसको इम्पोर्टेंट, वो ट्रांजेक्शन्स को कैसे किया गया है इसके बारे में जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो हमें लेजर से ही मिलता है. देन इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ बिजनेस. जो हम पहले भी पढ़े हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि लेजर के आधार पर ही ट्रायल बैलेंस बनती है.
The closing balance of personal accounts and real accounts are shown in balance sheet, whereas closing balance of nominal accounts are transferred to trading and profit and loss account. यहाँ क्या किया जाता है, जितने भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस होती है उसे तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। लेजर के लेजर अकाउंट्स जितने भी बने हैं उनमें जो रियल अकाउंट्स और नॉमिनल रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स, इसको अच्छे से याद रखिए, ये आपको बाद में भी काम आएगा। वैसे सारे पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट है, बट दिस इज व्हाइल यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स यू कैन कीप दिस इन माइंड। द नॉमिनल अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इट गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन आइटम और थिंग, किसी भी एक वस्तु या किसी भी एक ट्रांजैक्शन का जो डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इंसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरी चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वो दिखाने में ये लेजर जो है बहुत हेल्पफुल होता है। देन वी विल कम टू द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रजिस्टर। नंबर ऑफ शीट्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू बिजनेस। द पेज ऑफ रजिस्टर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। The left side is debit side and the right side is credit side. There are four columns on each side which are of date, particulars, journal foil number and amount. Format of ledger account is given below. Ledger account जो है, एक ledger account जो होता है एक register होता है, और उस register में कितने pages रहेंगे वो तो business के ऊपर depend करता है कि ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, जितना yearly requirement है business के आधार पर उसको बनाया जाता है। And जो पेज है रजिस्टर का उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक साइड लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड होता है एंड राइट साइड जो है वो क्रेडिट साइड होता है। देन हर साइड में चार कॉलम होते हैं, डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, देन होगा जर्नल फॉइल। हम लोग याद रखिए कि जब हम लोग जर्नल्स बना रहे थे, जर्नल एंट्रीज कर रहे थे, तो वहां हम लेजर फॉइल लिखते थे। उस लेजर फॉइल का जो नंबर होता है वो यहाँ हम इसके आधार पर, लेजर के आधार पर वहां पे नंबर लिखते थे, उसी तरह से जर्नल के आधार पर यहाँ हम लेजर फॉइल में जर्नल फॉइल करके लिखते हैं, वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। देन अमाउंट सेम इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉइल एंड अमाउंट। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव गिवन कॉलम्स। अभी हम लोग जो फॉर्मेट देखे थे उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। इन दिस कॉलम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो डेट लिखेंगे। Particulars in this column, account to be debited or credited is written. To is added before the name of the account to be debited and by is written before the name of the account to be credited. ये हम लोग वहां पे भी देखे थे जर्नल एंट्रीज में भी, यहाँ पे भी वैसे ही किया जाता है। जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं वहां टू लिखते हैं एंड जिस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं वहां बाय लिखते हैं। देन जर्नल फॉइल द करस्पॉन्डिंग फॉइल पेज नंबर ऑफ द जर्नल फॉर्म where the transaction has been posted is written in this column. Journal में जिस पेज पे वो particular transaction लिखा गया है उसको वहां post किया, उस पेज नंबर को इस journal फाइल में लिखा जाता है। Then amount, the amount of transaction is written in this column. जो भी amount था वो वहां लिखा जाता है। Format of ledger, account kept by bank. ये तो बिजनेसमैन, ये जो जनरल फॉर्म लेजर फॉर्मेट हम देखे थे ये बिजनेसमैन रखता है। इसी तरह से एक फॉर्मेट होता है बैंक्स के पास में भी। द लेजर अकाउंट यूज्ड बाय बैंक्स इज समवॉट डिफरेंट एंड हैज सिक्स कॉलम्स एज शोन बिलो। बैंक में जो होता है, जो लेजर अकाउंट होता है वहां पे छह कॉलम होते हैं। यहाँ तो हमारे चार कॉलम थे लेकिन यहाँ छह कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, देन अमाउंट, दो कॉलम्स जो होते हैं यहाँ ऐड होते हैं, जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉइल, अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड एंड बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट का जो बैलेंस है वो और उसका अमाउंट, ये चीजें यहाँ जो है एडिशन हो जाती है। बैंक के पास में जो जर्नल होता है उसमें ये दो कॉलम एडिशन हो जाते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। अब हम देखते हैं कि जर्नल और लेजर इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहला बुक, तो दोनों तो दो अलग तरह के बुक्स हैं। तो जर्नल इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, लेजर इज नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्रीज। जर्नल को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल एंट्रीज, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले एंट्री की जाती है।
उसके आधार पर ही हम लेजर एंट्री करते हैं, इसीलिए वो फाइनल एंट्री होती है एंड इसे ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। देन नेचर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन सीरियल ऑर्डर। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्लासिफाइड मैनर। यहाँ पे क्या है कि जनरल में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो डेट वाइज सीरियली रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, लेकिन लेजर में जो है उसको उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके अलग अलग तरीके से, उसको जो जिस अकाउंट में जाना है उसको अलग अलग करके हम उसको क्लासिफाई करके करते हैं। रिकॉर्डिंग डेट वाइज इन सीरियल रिकॉर्ड इन, यहाँ पे क्या है डेट वाइज लिखते हैं एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल एंट्रीज में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं एंड जब उसको हम लेजर में बनाते हैं तो उसे पोस्टिंग इनटू द लेजर बोलते हैं, उसको पोस्टिंग कहते हैं। नेचर क्या है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन सीरियल ऑर्डर। डेट के अनुसार सीरियली एक के बाद एक लिखते जाते हैं जर्नल बुक में। एंड लेजर बुक में क्या करते हैं कि जर्नल बुक से उनको अलग अलग अकाउंट में क्लासीफाई करके उनको ट्रांसफर करके फिर लिखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये फाइनल एंट्री हो जाती है एंड वहां पे वो जर्नल जो है वो ओरिजिनल एंट्री होती है। एंड पोस्टिंग करते वक्त रिकॉर्डिंग को यहाँ पे जर्नलाइजिंग कहते हैं एंड वहां पे उसको लेजर में उसको पोस्टिंग कहते हैं। देन परमानेंसी, दिस इज टेम्पररी इन नेचर एज ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन लेजर। दिस इज परमानेंट रिकॉर्ड एज दिस इज फाइनल, नो नरेशन इज रिक्वायर्ड। जर्नल एंट्रीज जब बनाते हैं तो वो टेम्परेरी होता है क्योंकि उसके बाद उसको हम फिर से पोस्टिंग करते हैं लेजर में, लेकिन जहां लेजर में एक बार जब पोस्टिंग हो जाती है तो वहां पर वो फाइनल हो जाता है। उसके बाद उसमें और कोई दोबारा उसके ऊपर में और कोई काम नहीं किया जाता है क्योंकि उसके बाद सारा काम उसी के आधार पर होता चला जाता है। जर्नल एंट्रीज में हमें नरेशन की जरूरत होती है लेकिन लेजर अकाउंट्स में नरेशन की जरूरत नहीं होती। नरेशन जैसे है तो ब्रीफ नरेशन इज गिवन बिलो ईच एंट्री एंड नो नरेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर। जब जनरल एंट्री कर डालते हैं तो जनरल एंट्री बनाने के बाद में उसके नीचे में उसका नरेशन दिया जाता है कि क्यों हमने उस एंट्री को वैसे किया है, लेकिन जब लेजर अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं उस वक्त कोई भी उसमें कोई नरेशन नहीं दिया जाता है। देन फाइनल अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल but final accounts are prepared with the help of ledger. जर्नल के आधार पर फाइनल अकाउंट्स नहीं बनते हैं लेकिन ledger के आधार पर ही हमारे final accounts बन जाते हैं। Ledger is prepared on the basis of journal and trial balance is prepared on the basis of ledger. जर्नल एंट्री, लेकिन यहाँ एक चीज है कि अगर जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे तो हम ledger नहीं बना सकते हैं, तो इसी तरह से लेजर बनाने के पर तो पहले जर्नल एंट्री डालनी होती है, उसके आधार पर ही हम लेजर अकाउंट लेजर में उसको ट्रांसफर करते हैं। उसी तरह से ट्रायल बैलेंस क्या है कि लेजर के आधार पर ही ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है। देन इन दिस ईच ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड एज यूनिट, इन दिस ईच अकाउंट इज अ यूनिट। जर्नल एंट्री में हर ट्रांजैक्शन को हम एक यूनिट समझ के करते हैं लेकिन लेजर में हर अकाउंट एक यूनिट होता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लेजर। लेजर के एडवांटेजेस क्या क्या है। अमॉन्ग ऑल द बुक्स लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इज रिसीव्ड फ्रॉम दिस बुक ओनली एंड हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। जितने भी अकाउंट्स के बुक्स बनते हैं उसमें लेजर को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसी में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जिसके आधार पर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो इसको सबसे अधिक इम्पोर्टेंट माना जाता है। नॉलेज ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स, एज द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ पर्टिकुलर नेचर इज अवेलेबल एट वन प्लेस द नॉलेज ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड देयर बैलेंस बिकम्स वेरी इजी। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी तक हम समझ चुके हैं कि लेजर में सारे इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ट्रांजैक्शंस करके एक पर्टिकुलर नेचर के जो होते हैं उन्हें एक जगह हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इससे क्या है कि इंफॉर्मेशन निकालना, अकाउंट्स का बैलेंस जानना ये बहुत आसान हो जाता है। उस पर्टिकुलर अकाउंट से हम जाकर के इंफॉर्मेशन उसके बारे में ले सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, किस दिन क्या हो रहा है। तो बिजनेस के बारे में रिजल्ट जानने के लिए लेजर अकाउंट जो है बहुत मददगार होता है।
then helpful in preparing trial balance. Trial balance can be prepared with the help of ledger. Trial balance helps in ascertaining arithmetical accuracy. ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं वो हम लेजर के आधार पर ही बनाते हैं. एंड ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, उससे हमें जो मॉनेटरी नंबर्स जो होते हैं वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का रोल होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए. एंड जब अंतर आता है तो इमिडिएटली पहले उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हुई है ये देखना खोजना थोड़ा सा आसान हो जाता है. इमिडिएटली ट्रायल बैलेंस बनाते ही पता चल जाता है whether our accounts are properly maintained और उसमें कहीं कुछ गलती है, तो ये trial balance से हमें पता चल जाता है. Helpful in preparing, तो इसलिए जो ledger है वो trial balance बनाने में बहुत helpful होता है. Then helpful in preparing final accounts. Final accounts are prepared on the basis of balance in the ledger accounts. Knowledge about profit and loss is derived from the final accounts. अगर हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानना है तो फाइनल अकाउंट से ही ये पता चलता है. एंड फाइनल अकाउंट जो है वो लेजर्स के आधार पर ही बनाया जाता है, क्योंकि लेजर के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. और जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे फाइनल बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो नहीं पता चलता है. इसीलिए फाइनल अकाउंट्स को बनाने में लेजर जो है बहुत हेल्पफुल होता है. Then overcoming of limitations of journal. Information provided by journal are not enough for any idea of profit and loss or financial position of the company. Ledger provides the information about the information number which is provided by the journal. Journal में क्या होता है कि हमें कोई भी information properly नहीं मिलती है profit या loss के बारे में. फाइनेंशियल पोजीशन जर्नल, जब जर्नल एंट्रीज करने के बाद में कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है ये नहीं पता चलता है. वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है ये नहीं पता चलता है. लेकिन जब लेजर अकाउंट्स बनाते हैं उसमें वो लेजर अकाउंट जिस जर्नल के आधार पर बनाए हैं उस जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन इस लेजर अकाउंट में दिया जाता है, वो रहता है. तो क्या हुआ कि जर्नल के आधार पर हमें लेजर के बारे में या कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन लेजर के आधार पर हमें जर्नल के बारे में पता चल जाता है. Then ledger is a printed register or printed loose sheets used in computerized accounting in these days. The format of ledger is printed on each sheet. Accounts of all individuals, assets, liabilities, items of revenue and expenses are written on separate sheets and such sheet is the account of concerned item. इसका नेचर क्या है ये अब हम देखते हैं. लेजर जो है एक प्रिंटेड रजिस्टर होता है या आजकल कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से हम लूज शीट्स में इसको बनाते हैं. तो क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है तो लूज शीट में बनता है. एंड एक फॉर्मेट जो है वो हर शीट पे, लेजर का जो फॉर्मेट है वो हर शीट पे प्रिंट किया जाता है. एंड उसके आधार पर जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स है या एसेट्स है, लाइबिलिटीज है या जो भी आइटम्स है जो खर्चे और कमाई के, इनकम और रेवेन्यू के, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के, उन सारे चीजों को उसमें अलग अलग शीट में लिखा जाता है. एंड इन शीट्स को अकाउंट के रूप में फिर समझ करके उस पर्टिकुलर आइटम का अकाउंट बनाया जाता है. इन शीट्स को जब सारे शीट्स एक साथ हो जाते हैं तो हर सेपरेट सबका बना हुआ है, सारी शीट को एक साथ करके उसे उस आइटम का लेजर अकाउंट बनाया जाता है, लेजर अकाउंट बुक करते हैं. देन पोस्टिंग. The process of recording transactions in general is called passing of the passing or making entries, while recording those entries in ledger is called posting. जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि passing the entries. जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, लेकिन जब ledger बनाते हैं तो उसे हम posting of entries कहते हैं. This is the basic difference. जर्नल को हम passing the entries कहते हैं and ledger को हम posting the entries कहते हैं. And rules क्या है posting के लिए ये हम देखते हैं. The following rules and principles to be kept in mind while posting. जब journal से ledger में posting करनी होती है तो कुछ rules हमें follow करने होते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं. Open accounts पर all names that have come up in journal. Journal में जितने भी नाम हमें दिख रहे हैं या organization business जिस से deal कर रही है, जितने नाम journal entries में हैं, उन सब के नाम पर अलग अलग account बनाया जाता है. Name of the account should be written at first on top of the sheet and in the center like purchase account, salary account, etc.
उसके बाद में जब अकाउंट बना रहे हैं तो उस अकाउंट में सबसे पहले ऊपर में शीट के ऊपर में उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है। जैसे कि परचेज अकाउंट है तो अगर परचेज बुक है, लेजर बुक है, तो उसे हम परचेज अकाउंट करके ऊपर में लिखेंगे, सैलरी को सैलरी अकाउंट करके लिखेंगे, और परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न अकाउंट, या किसी पर्सन के नाम से है तो उस पर्सन का नाम, जो भी है वो अकाउंट का नाम हम उसमें सबसे पहले लिखेंगे। देन ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन अकाउंट शुड बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस ओनली। टू अकाउंट विद द सेम नेम शुड नॉट बी ओपेंड। इफ देर आर टू इंडिविजुअल्स विद सेम नेम्स, द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव टाउन शुड बी रिटन आफ्टर देयर नेम्स। हर इंसान के लिए या हर अकाउंट के लिए एक ही अकाउंट खोला जाता है। हर ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है कि दो अकाउंट खोल करके, दो अकाउंट हम खोल ही नहीं सकते हैं एक नाम से। और अगर कभी एक नाम के हमारे पास में दो इंसान आ गए हैं जो एक ही नाम के हैं, या कोई दो कंपनीज ऐसी आ गई हैं जो सेम नाम के हैं, जब अगर उस तरह से आती है सिचुएशन, तो वहां पे उस नाम के साथ में उसके शहर का नाम भी लिखा जाता है, या यू कैन से सब आइडेंटिटी, जिससे कि दोनों को सेपरेट किया जा सके। एक इंसान के नाम पर दो अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं, या चाहे वो रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, जो भी है हमें एक ही अकाउंट रखना है। अगर दो हो जाते हैं तो उनमें शहरों का नाम ऐड करके वो टॉप हेडिंग में ही इसको लिख करके रखा जाता है। देन आगे है, इन द डेबिट साइड पर्टिकुलर कॉलम टू इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ द अकाउंट एंड द क्रेडिट साइड बाई इज रिटन। इसके बाद में जब पोस्टिंग हो रही होती है तो डेबिट साइड में टू लिखते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में, एंड क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं। If the concerned account is debited in the journal, then in the ledger, the entry is recorded in the debit side of the account, but in the particulars column, the account which is to be credited is to be written. Similar account is credited in the journal, then in the ledger, the entry is recorded in the credit side of the account, but in the particular column, the account which is to be debited is to be written. यहाँ पे लीजिए पोस्टिंग करते वक्त जिस अकाउंट का कर रहे हैं, अगर वो जर्नल एंट्री में डेबिट साइड में है तो लेजर अकाउंट में आते ही वो क्रेडिट साइड में हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जगह में ये भी लिखना होता है कि उसके किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है। इसी तरह से अगर जर्नल एंट्री में कोई क्रेडिट साइड में है एंट्री, तो उस अकाउंट को जब हम उस अकाउंट में उसकी एंट्री कर रहे हैं तो वो हमारे डेबिट साइड में आ जाएगी। लेकिन वहां पे भी उसके साथ साथ कौन से उससे रिलेटेड किस अकाउंट को डेबिट करना है वो भी वहां लिखना होता है। The name of which account is opened, the name is not written either in debit side or credit side. जिस account के नाम पर वो account खोला गया है, जिस नाम पर वो account खोला गया है, उसका नाम debit side या credit side में लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऊपर में heading में ही उसका नाम लिखा हुआ है, and उसी के आधार पर सारे transactions, उसी से related सारे transactions किए जा रहे हैं। इसीलिए debit side और credit side में उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। The term to used in the debit side and buy is used in the credit side of the account. जैसे कि हम पहले भी देखे हैं कि debit side में to से शुरुआत करते हैं and credit side में buy से शुरुआत करते हैं। If the number of transactions are more on debit side than the term, then the term to is used once after that. These dashes are given is used. Similarly, credit side में भी the term is used and used in the place by if number of transactions are more. अगर एक ही दिन में एक डेट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो हर बार टू टू लिखने की जगह एक पर्टिकुलर तरह से है तो टू टू लिखने की जगह दो डैशेस करके उसमें दो तीन उसमें एंटर करके एक साथ मिला करके सारे ट्रांजेक्शन को किए जा सकते हैं। तो दीज आर द रूल्स फॉर पोस्टिंग द लेजर्स। इस वीडियो के लिए इतना ही गर्ल्स। इसके आगे के बारे में, लेजर के जो आगे के रूल्स है या किस तरह से पोस्टिंग कर रहे हैं, ये सारे डिटेल्स जो है हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। Thank you, everyone.